नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। इशरत मामले में गायब फाइलों की जांच में बड़ी धांधली का खुलासा। इंडियन एक्सप्रेस ने जारी किया बीके प्रसाद और गवाह की बातचीत का ऑडियो। प्रसाद ने आरोपों से किया इनकार। गोपाल राय के इस्तीफे पर बयान देकर विवादों में घिरी अलका लांबा की छुट्टी। 2 महीने के लिए आप प्रवक्ता के पद से हटाए गए। लांबा ने कहा, फैसले का सम्मान करती हूँ, पश्चाताप करूंगी। सिख दंगा मामले पर राजनीति गरमाने के बाद कमलनाथ ने पंजाब के प्रभारी पद से दिया इस्तीफा। कांग्रेस आलाकमान को चिट्ठी लिखकर जताई थी इच्छा। यूपी चुनाव में कांग्रेस बढ़ा सकती है प्रियंका की जिम्मेदारी। अब रायबरेली और अमेठी से बाहर भी कर सकती हैं प्रचार। यूपी के नए प्रभारी ने दिए संकेत। फिल्म उड़ता पंजाब रिलीज से पहले इंटरनेट पर हुई लीक। निर्देशक अनुराग कश्यप और बॉलीवुड की हस्तियों ने पायरेटेड फिल्म न देखने की अपील की। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। इशरत जहां मामले की फाइल गायब होने की जांच में बड़ी धांधली का खुलासा हुआ है। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने जांच समिति के मुखिया बीके प्रसाद और मामले के गवाह अशोक कुमार के बीच की बातचीत का ऑडियो जारी किया है। इस ऑडियो में बीके प्रसाद गवाह अशोक कुमार को बता रहे हैं कि उनसे क्या सवाल पूछे जाएंगे और उन्हें किस तरह उन सवालों का जवाब देना है। जारी किए गए ऑडियो के मुताबिक प्रसाद फोन पर गवाह को सिखा रहे हैं कि मुझे यह पूछना है कि आपने ये पेपर देखा, आपको कहना है कि मैंने यह पेपर नहीं देखा। हालांकि बीके प्रसाद ने खुद पर लगे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। वह इस मामले को लेकर पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने एनडीए सरकार पर निशाना साधा है। चिदम्बरम ने कहा कि रिपोर्ट से एनडीए सरकार की पोल खुल गई है। उन्होंने कहा कि झूठी रिपोर्ट भी सच को नहीं छिपा सकती। असली मुद्दा यह है कि एनकाउंटर फर्जी था या असली। और अब अगली खबर आम आदमी पार्टी से जुड़ी। आप विधायक अलका लांबा को पार्टी के प्रवक्ता पद से 2 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। अलका पर आरोप है कि उन्होंने प्रीमियम बस सर्विस विवाद में घिरे गोपाल राय के परिवहन मंत्रालय छोड़ने के मुद्दे पर पार्टी लाइन से हटकर बयान दिया, जिसकी वजह से दिल्ली सरकार की मुश्किलें बढ़ गई थी। दरअसल अलका ने कहा था कि गोपाल राय जी को जो हटाया गया है वो इसलिए हटाया गया है ताकि जांच ठीक से हो सके, जबकि पार्टी लाइन थी कि गोपाल राय ने खुद अपने स्वास्थ्य कारणों से विभाग छोड़ा। हालांकि बयान देकर घिरी अलका लांबा ने ट्वीट कर कहा है कि वो पार्टी की एक अनुशासित कार्यकर्ता हैं और पार्टी के हर फैसले का सम्मान करती हैं। अनजाने में भी अगर कोई गलती हुई होगी तो वो उसका पश्चाताप जरूर करेंगी ताकि उनकी वजह से पार्टी की भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को किसी तरह का कोई नुकसान ना पहुंचे। आपको बता दें कि अलका लांबा इससे पहले भी कई बार अपने बयानों से पार्टी के लिए परेशानी का सबब बन चुकी है। एक बार उन्होंने कहा था कि दिल्ली की वर्तमान सरकार पहली ऐसी सरकार है जिसके मुख्यमंत्री ने अपने मंत्री से कहा है कि आप जाइए और जवाब दीजिए, FIR जब होगी तब होगी। बढ़ते अगली खबर पर। सिख दंगा विवाद में घिरे कांग्रेस के पंजाब प्रभारी कमलनाथ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को खत लिखकर उन्हें पद से मुक्त करने का अनुरोध किया था, जिसे सोनिया गांधी ने मंजूर कर लिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री कमलनाथ ने कहा कि वे 1984 के दर्दनाक दंगों को लेकर पैदा गैर जरूरी विवाद से जुड़े घटनाक्रम से आहत हैं। उन्होंने यह कदम ऐसे समय में उठाया है जब अकाली दल BJP और आप ने इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सिख विरोधी दंगों में कमलनाथ की कथित भूमिका को लेकर उन पर और कांग्रेस पर निशाना साधा था और उनकी नियुक्ति को सिखों के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा बताते हुए तीनों दल इस नियुक्ति को बड़ा तूल देने की तैयारी में थे। इस पर सफाई देते हुए कमलनाथ ने कहा कि दंगा मामले में वर्ष 2005 तक उनके खिलाफ कोई सार्वजनिक बयान या शिकायत तक नहीं हुई और पिछली NDA सरकार की ओर से गठित नानावटी आयोग ने भी उन्हें दोषमुक्त करार दिया था। और अब अगली खबर उत्तर प्रदेश से, जहां अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और इसको लेकर कांग्रेस ने कमर कस ली है। इसके मद्देनजर अब खबर ये है कि कांग्रेस प्रियंका गांधी की जिम्मेदारी और बढ़ा सकती है। यूपी के नए प्रभारी गुलाब नबी आजाद ने उम्मीद जताई है कि अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी अमेठी और रायबरेली के बाहर प्रचार करेंगी। आजाद से पूछा गया था कि अमेठी और रायबरेली संसदीय क्षेत्रों के विधानसभा क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित कर रही प्रियंका गांधी पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी को मदद पहुंचाने के लिए बाहर भी प्रचार करेंगी। आपको बता दें कि इससे पहले भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि कांग्रेस प्रियंका गांधी को आगे रखकर चुनाव लड़ेगी। प्रियंका को लाने की बात बार बार होती रही है, लेकिन सोनिया गांधी और राहुल गांधी कहते रहे हैं कि ये प्रियंका का फैसला है कि वो राजनीति में आए या नहीं। अब खबर फिल्म उड़ता पंजाब से जुड़ी, जिसकी मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही है।
सेंसर बोर्ड से लंबी लड़ाई लड़ने के बाद रिलीज के सिर्फ 2 दिन पहले अब उड़ता पंजाब इंटरनेट पर लीक हो गई है। फैंटम फिल्म्स ने साइबर क्राइम सेल के पास बुधवार रात कॉपीराइट चोरी की शिकायत दर्ज कराई। उनका मानना है कि फिल्म की सेंसर बोर्ड को सौंपी गई प्रति किसी तरह टॉरेंट साइटों पर पहुंच गई है, जो किसी भी फिल्म को गैरकानूनी ढंग से डाउनलोड के लिए उपलब्ध करा देती है। इस तरह की भी खबर है कि 2 घंटे 20 मिनट की लंबी पूरी फिल्म मूवी डाउनलोडिंग साइटों पर उपलब्ध है। एक पुलिस अधिकारी का कहना है कि वो उस आईपी एड्रेस का पता लगा रहे हैं कि जिससे इस फिल्म को कथित रूप से अपलोड किया गया। वही फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप और बॉलीवुड की कई हस्तियों ने लोगों से अपील की है कि वो पायरेटेड फिल्म ना देखकर फिल्म के साथ न्याय करें। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।